चाइना का गांव है, लेकिन चाइना ही देखिए, चाइना काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है यहाँ से देख के। लेकिन भाई आई थिंक ये व्यू पॉइंट है ना। अच्छा आप लोग का ड्यूटी हमेशा रहता है यहाँ पे? ये काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, वो पीछे चाइना है। मैं एट प्रेजेंट इंडो चाइना बॉर्डर के सामने वालूंग पे हूँ इन अरुणाचल प्रदेश, और आज मैं जा रहा हूँ कबीथू, एक व्यू पॉइंट है जहाँ से चाइना का जो विलेजेस है वो विजिबल होता है, वो वहाँ से दिखाई देता है और बहुत खूबसूरत लगता है वहाँ से। तो चलिए आप लोग को भी जाते जाते दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है और चाइना का विलेजेस कैसा दिखाई देता है। तो चलिए कबीथू पे जाते हैं। सो लेट्स गो। स्टार्ट होने वाला है या आंटी चला रही है, मैं पीछे बैठूंगा आराम से बैठ के, मैं वीडियो कर करके जाऊँगा क्योंकि मैं चलाने से मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा ना। और सुना है कि आंटी एक्सपर्ट है चलाने में। तो चलिए जाते जाते आप लोग को दिखाते रहूँगा। ओके तो वी आर ऑन द वे और रास्ता अप्स एंड डाउन है। ये देखिए अभी डाउन पे जा रहे हैं और यहाँ पे जनरल बिपिन रावत का जो आप लोग को पता होगा आर्मी के जनरल एक्सीडेंट हुआ था उनका, उनका यहाँ पे कुछ गेट बना हुआ है उनके नाम से। और यहाँ से कैसा दिखाई देता मैं दिखाता हूँ। तो जाते जाते बहुत सुंदर था, कबीथू बोलते हैं जगह का नाम, कबीथू है इस विलेज का नाम, कबीथू विलेज है। और देखिए नीचे घर भर ऐसा है, नीचे घर ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए घर पूरा पहाड़ 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 है, हिमालयन का पहाड़ है, हिमालयन का माउंटेन रेंजेस है। और इधर से ये पानी जो है ये सीधा जाके ब्रह्मपुत्र हो जाता है, लोहित चाइना से आता है, लोहित ब्रह्मपुत्र उधर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है ऐसे। और यहाँ पे जो ऊपर रास्ता है आई लव कबीथू, वो ऊपर में फ़ोटो वगैरह भी वहाँ पे भी खींच सकते हैं। और जनरल बिपिन रावत जी का यहाँ पे का नाम से गेट बना हुआ है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के कबीथू पे है ये जगह पे लिखा हुआ है जनरल बिपिन रावत, वो फर्स्ट डिफेंस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने थे इंडिया के। और वो यहाँ कबीथू इस जगह पे उन्होंने 1999 से 2000 तक उन्होंने कमांड किया था। ही हैज़ कमांडेड सिंस 1999 to 2000 तक उन्होंने यहाँ पे कमांड किया था इस जगह पे, वो थे यहाँ पे आए हुए थे इस अरुणाचल प्रदेश पे। तो उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। उनका सर्विस, उन्होंने अच्छा सर्विस दिया था देश के लिए, उसकी वजह से उन यहाँ पे जो है ये सब जो है बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का ये देखिए यहाँ पे नाम है। शायद में अगर स्टेचू भी हो जाता तो अच्छा लगता है। और अच्छा स्टेचू है शायद, आगे मैं दिखा देता आप लोग। तो यही थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत जी। बहुत अच्छे आदमी थे वो, मतलब बहुत फ्री फ्रेंकली थे, मैंने देखा था उनका उनका वीडियोज़ वगैरह भी। तो यहाँ पर उनका स्टेचू भी बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ उनके बारे में। सीडीएस वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 मार्च 1958 को वो उनका जन्म हुआ था। सेन विलेज एट पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में नेशनल डिफेंस अकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। वो सारा चीज़ यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग जूम करके, बाद में आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। ओके और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के बहुत सारे हैं। हेलो सर जी, आ सकता हूँ उधर क्या? आ सकता हूँ ना? अच्छा अच्छा थोड़ा आप लोग को यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आई थिंक ये व्यू पॉइंट है ना। अच्छा आप लोग का ड्यूटी हमेशा रहता है यहाँ पे? अच्छा थोड़ा दिखा देता हूँ लोहित व्यू। अच्छा लोहित व्यू यहाँ से, लोहित तो नदी का नाम है ना, तो नदी तो इस तरफ चला गया ना। अच्छा तो ये लोहित नदी है, यहाँ से सियांग भी नाम है ना इसका, चाइना में सियांग था क्या? नागीचू ना, नागीचू। तो ये जो रिवर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये इसका नाम चाइना में सरहद के उस पार, इसका नाम लागीचू, लागीचू ना। अच्छा उन्होंने बोला नागीचू ना। ओके और उसके बाद ये उधर जाके आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र हो जाता है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके इंडियन ओशन में ये जाके ये जो पानी है वहाँ पे ड्रेन हो जाता है सब कुछ। कबीथू व्यू पॉइंट है और यहाँ से आपका चाइना जो है अच्छी तरीके से दिखाई देता है। यहाँ से मैं आप लोग को जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि वो जो दिखाई दे रहा है आप लोग को वही चाइना है। छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, जूम कर रहा हूँ क्या क्या आप लोग को दिखाई दे रही है छोटा छोटा घर, वही चाइना है, चाइना का विलेज है। वो उस विलेज का नाम कुछ आइडिया है क्या आपको, आप लोग को पता है क्या?
न्यू टैटू के। अच्छा, वो यहाँ के जो जवान लोगों का कहना है कि वो चाइना का जो विलेज है वो उसका विलेज का नाम होता है न्यू टैटू के ना क्या विलेज का नाम है, तो वो सारे चाइना है। देखिए दोस्त ऑल दोस्त आर चाइना, चाइना चाइनीज टेरिटरी है उधर चाइना है। और मैं वहाँ तक गया था, फिर इधर में आके यहाँ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया, तो देखा होगा आप लोगों ने कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, तो ऐसा है हमारे इंडो चाइना का बॉर्डर के सामने ऐसा कुछ दिखाई देता है। व्यू पॉइंट में बैठने का जगह वगैरह है, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, वो पीछे चाइना है। और यहाँ पर मैं अभी बैठ के फ़ोटो लेने वाला, आप लोग भी आएंगे तो कभी व्यू पॉइंट कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ से सुंदर फोटो आती है, वीडियो भी अच्छा आता है। सर आई लव कभी तो लिखा हुआ है, और इस व्यू पॉइंट से कैसा दिखाई देता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो पहाड़ है देखिए, क्लाउड्स वगैरह है, ऊपर में रास्ता है, और इधर गेट है जनरल बिपिन रावत जी का, यहाँ पे फोटो वोटो वगैरह स्टेचू भी मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा दिखाई देता है भाई, ऐसा व्यू आपको सब जगह में नहीं मिलेगा, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर ही मिलेगा कभी थू में। ये देखिए, और उधर में जाके मैं फ़ोटो खींचा था, उधर का तो आप लोग को मैंने दिखाई दिया। यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ चाइना का बॉर्डर, थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ इस बार। यहाँ से और ऊंचा अल्टीट्यूड में आ गया हूँ, ऊंचा अल्टीट्यूड से मतलब चाइना का जो विलेज है ना, जो गाँव है, वो और सुंदर दिखाई देता है, मतलब और ज़्यादा विजिबल होता है। ये देखिए वो ऊपर दिखाई दे रहा है गाँव, छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत दूर से मैं जूम इन कर रहा हूँ बहुत दूरों से कर रहा हूँ। पहाड़ के एकदम वो जो क्लाउड के नीचे कुछ घर है, सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा गांव दिखाई दे रहा होगा, वो चाइना का गांव है, उस तरफ चाइना है, उन लोगों का बस्ती है उधर, और इधर हम लोग इंडिया का। वो देखिए छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा होगा, तो वो सारे गाँव है चाइना के। चाइना का निगरानी यहाँ से इंडियन आर्मी लोग करते हैं, यहाँ से देखते हैं मूवमेंट कैसा है, क्या उन लोग को यहाँ से देखा जाता है। ये देखिए काफ़ी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वो छोटा गांव है चाइना का। और चाइना के बॉर्डर के सामने का ये सब पहाड़ है, पहाड़ का नाम है ये 80 हिल कहते हैं, 90 हिल 100 हिल ऐसा नाम है, और इधर भी दीचू हिल ऐसा नाम, बहुत सारा नाम है। और उधर एकदम पहाड़ के ऊपर तक जा सकते, फोर्सेज जो है ऊपर तक रहते हैं वहाँ पे, 15-16 घंटा तक लगता है सुना है वहाँ तक, एकदम आइस वगैरह होता है, बर्फ़ वगैरह जम जाते हैं वहाँ पे। और ऐसे जवान लोग हमारे इंडिया के, इंडियन जवान लोग, फोर्सेस लोग ऐसे बॉर्डर पे सिक्योर कर रहे हैं हमारे देश को इस तरीके से, यहाँ से सारे जगह में हमारे फोर्सेस है। उन लोगों के ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास नहीं है, उन लोग का भी पूरा फोर्सेस से रास्ता वास्ता बना हुआ है उन लोगों का उधर बॉर्डर के सामने तक। लेकिन चाइना देखिए, चाइना काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है यहाँ से देख के, लेकिन